तो दोस्तों आपने आज देख लिया, हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है सौरभ और आज हम लेकर आ गए एक और नई एक्सपेरिमेंट वीडियो। तो आज हम कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट को एक्सट्रीम लेवल तक चेक करने वाले हैं। तो आपने ऐसी कई वीडियो देखी होंगी जिसमें आपको दिखाया होगा कि अगर हम पानी से भरे गुब्बारे को जलती मोमबत्ती के ऊपर रख देते हैं तो फटता नहीं है। तो ये सच है, ये तो सभी को पता है। तो आज हम यही चेक करने वाले हैं कि गुब्बारा है वो कितनी देर में फट जाएगा, मतलब एक घंटा दो घंटा कोई तो समय होगा जब ये फट जाएगा। तो आज हम यही चेक करने वाले हैं कि गुब्बारा आकर कितनी देर में फट सकता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर चीज की एक सीमा होती है। जैसे कि अगर आप पानी पीते हैं तो आपसे बहुत से लोग कहते होंगे कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करो, पर अगर आप एक सीमा के बाहर पानी पिएंगे, सीमा के ऊपर पानी पिएंगे तो आप मर भी सकते हैं, आप भी जानते होंगे। मतलब हर चीज की एक एक्सपायरी डेट जरूर आती है, तो क्या इसकी भी एक एक्सपायरी डेट यानी कि एक सीमा है, क्या ये सच में फट सकता है? तो आज हम यही चेक करने वाले हैं। और उसके लिए देखिए मैं क्या लाया हूँ, मैं लाया हूँ इतनी सारी मोमबत्तियाँ। तो आज हम क्या करेंगे, इस गुब्बारे के नीचे इतनी सारी मोमबत्ती को जलाकर रख देंगे। आप देख सकते हैं मैं कितनी सारी मोमबत्ती लाया हूँ, देखिए कोई कमी नहीं है। तो आपने ऐसा तो बहुत बार देख लिया हो कि फटता नहीं है, तो आज हम यही चेक करने वाले हैं कि फटेगा तो कितनी देर में फटेगा, और नहीं फटता तो फिर वो आप आगे देख लेना, जो भी होगा वो आपके सामने होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले इसके साथ ट्राई करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस गुब्बारे को धागे से टांग दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत टाइम जरूर लगेगा, हो सकता है कि हमारे हाथ भी दुखने लगे, तो मैंने पहले इसकी व्यवस्था कर दी है। तो अब हम इस मोमबत्ती को इसके नीचे रख देते हैं। मेरे पास क्या बड़ी वाली एक ही थी, तो मैंने सोचा यार इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं छोटी छोटी बहुत सारी ले आया, इससे क्या है कम टाइम लगेगा। और अधिक कपड़ा वगैरह हमने हटा दिया। तो आप ऐसा ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यार आग लग सकती है, और मैं करूँगा तो मैं सेफ्टी के साथ कर रहा हूँ। पूरा पूरा बाल्टी पकड़ रखी है, कुछ होगा आजकल पानी, समझ रहे बात को। और देखते हैं कि गुब्बारा कितनी देर में फट जाता है। तो देखिए उसको हीट मिलना शुरू हो गई है। तो ये क्यों नहीं फटता है, ये तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि जो हीट है ना वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी पानी हल्के अपने अंदर हीट खींच लेता है, गुब्बारे पर वो हीट रह नहीं पाती, उस वजह से वो फटता नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप नीचे से देखेंगे तो गुब्बारे कितना ज़्यादा काला हो चुका है यार, आधे से ज़्यादा काला हो चुका है, नीचे नीचे काला सा जमा हो गया है, बाकी ऊपर जो बबल्स हैं आधे से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। और यार देखते हैं कि क्या होता है। आप देख सकते हैं मोबाइल पर भी 5 मिनट हो चुके हैं, और 6 मिनट पहले के तो 11 मिनट हो चुके हैं टोटल। तो दोस्तों देखिए 12, 12:30 मिनट हो चुके हैं, 7 मिनट मोबाइल के और 5 मिनट पहले के, 5-6 मिनट। तो देखिए इतनी देर हो चुकी है और ये फट नहीं रहा है। तो अब हम चेक करेंगे 20 मिनट बाद, क्योंकि अगर मैं पूरी वीडियो कवर करता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए ऐसा कुछ हुआ है यार, सही कह रहा हूँ यार, मैंने बिल्कुल सोचा था कि ऐसा कुछ होगा यार, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया यार क्योंकि मोबाइल चिपकने लगा था। ये 20 मिनट देखिए मोबाइल पर हो चुके हैं, और जो 5-6 मिनट एक्स्ट्रा थे यानी कि 26 मिनट में गुब्बारा फूट गया है। तो यार एक बार और ट्राई करते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने देखिए दूसरा गुब्बारा लगा दिया, क्योंकि हम वाला रिकॉर्ड नहीं कर पाए, और से मैंने पन्नी भी लगाई 2 बार, पन्नी में क्या नीचे छोटे छोटे छेद हो रहे थे, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो उस वजह से मुझे फिर से गुब्बारा लगाना पड़ा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, और ये मोमबत्ती जल गई, सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया, ये देखिए क्या कुछ हुआ है। तो ये हुआ है सिर्फ गुब्बारे का, क्या बोला तूने? तो जो गुब्बारा उसको फटने में लग गए थे करीब आधा घंटा, क्या हुआ ना मेरा मोबाइल कुछ चिपकने लगा, मतलब मैं जैसे ही थोड़ा बहुत ज्यादा गर्म करने लगता हूँ तो क्या ना मोबाइल चिपकने लगता है। तो मैंने उसको धरया है फ्रिज में ठंडा करने के लिए। तो क्या हुआ ना, कल ये वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूँ यानी कि एक दिन बाद शूट कर रहा हूँ, तो क्या हुआ ना वो मोबाइल चिपकने लगा, तो फिर मोबाइल के ऊपर धरने गए, और जो गुब्बारा है ना उसी 25 से 30 मिनट के बीच में फूट गया, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। उसके बाद मैंने 2 पन्नियों के साथ ट्राई किया, वो भी बेकार चला गया, बिल्कुल वेस्ट। तो अब हम फिर से ट्राई करने वाले हैं, और फिर मैंने एक और गुब्बारा लगाया, पर तब तक मेरे पापा आ गए और मुझे ये सब हटाना पड़ा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक और जो गुब्बारा उसके साथ और ट्राई करते हैं। और ये सेटअप कल का ही लगा हुआ है, तो कल हम सीधे ऊपर चले गए थे, तो मैंने कल कुछ भी नहीं कर पाया। तो अब हम फिर से एक बार और ट्राई करते हैं। तो अब क्या करते हैं, इस सबको हटा लेते हैं टोटली, फिर से करते हैं स्टार्टिंग। और सही कहना बहुत दिक्कत आती है वीडियोज बनाने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल कर दिया करो यार। देखिए कितना सारा मोम पिघल गया, और पूरे 4 डब्बे खत्म हो चुके हैं, और मैं 2 डिब्बे और ले आया हूँ, उस चक्कर में मोम बहुत सारा आया है इसमें। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा पूरा सेटअप कर लिया है, जो भी नीचे मतलब मोमबत्ती वगैरह थी मैंने सब पूरी हटा दी है। उसके बाद मैंने 3 गुब्बारे लगाए इस बार, पहले सिर्फ और सिर्फ 1 गुब्बारा था, अब तीनों गर्म होंगे, और इतनी सारी मोमबत्तियाँ नीचे, पूरी पूरी नई मोमबत्ती मैंने पूरी हटा दी, पुरानी वाली देखिए रखी हुई है, तो ये हम बाद में लगाएंगे, पहले हम नई वाली यूज करेंगे। तो अभी तीनों फटेंगे, उसे कह रहा हूँ जो मज़ा आपको आने वाला है ना, जो मुझे आया था ना यार जब पहली बार फटा था, तो वो आपको भी इस बार आएगा।
दोस्तों यार आपने देखा मतलब क्या हुआ यार, लगाते ही फूट गया। तो दोस्तों सही कह रहा हूँ, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा कुछ होगा यार, मतलब बिल्कुल ऐसे फट गया बुरी तरीके से। वो मुझे नहीं पता था कि यार इतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब हमने किया ना पूरा आध घंटा लग गया था गुब्बारे को फूटने में, और इस बार तो मतलब 3-4 मिनट के अंदर अंदर फूट गया यार। इतनी जल्दी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। तो दो और रह गए हैं, तो दो और के साथ देखते हैं कि दो के साथ और क्या होता है। और मोमबत्तियाँ भी जल रही हैं यार अब तो यार, और मेरा मोबाइल भी मतलब देखिए अब देखिए, हम टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि करीब करीब 2-3 मिनट तो हो गए होंगे ये समझ लीजिए। तो दोस्तों करीब करीब हमें 3 मिनट हो चुके हैं। ये यार ये तो जल ही नहीं रही, और भी है ना वो भी नहीं रही है। तो यार अब हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। और आप देख सकते हैं यार लाल वाले में भी छेद हो गया है, पहले से उसमें छोटा सा छेद था जो मैंने कवर कर दिया था। ये देखिए मैंने इस पर धागा बांध दिया था इस चक्कर में, पर अब पता नहीं फिर से नया छेद हो गया उसमें। मोमबत्ती के ऊपर गिरेगा तो यार मोमबत्ती भी नहीं जल पाएंगी। तो एक काम करते हैं लाल वाले के साथ ऐसा कुछ करते हैं ताकि वो सही हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो लाल वाला गुब्बारा था वो भी फूट गया। क्या ना मैंने फिर से मतलब मोमबत्ती फिर से हटा के और पूरा सेट फिर से मतलब मोमबत्ती फिर से लगाई थी और फिर से मैंने जलाई थी। और मैंने मतलब जैसे ही मतलब पूरी मोमबत्ती जलाई, मैंने सोची कि मोमबत्ती जलाने के बाद स्टार्टिंग कर देंगे रिकॉर्डिंग, तो मतलब वैसे ही फूट गया लाल वाला, तो लाल वाले की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। तो बचा लास्ट में सबसे ज़्यादा मजबूत गुब्बारा वो है पीला वाला, और देखते हैं अब वो कैसे फटता है। और सही कह रहा हूँ हीट बहुत ज़्यादा आ रही है, अभी भी आधे से सारी मोमबत्ती बुझ चुकी हैं। कितना ऊपर है, मुझे भी अभी यहाँ पर हीट लग रही है, तो सोचिए उसको कितनी हीट लग रही होगी। मैं थोड़ी देर भी यहाँ पर हाथ नहीं रह सकता, इतना ज़्यादा हीट आ रही है, क्योंकि करीब करीब 10-12 मोमबत्ती जल रही है, बाकी सारी बुझ चुकी है। तो सही कह रहा हूँ करीब करीब 3-4 मिनट हो चुके हैं और माल नहीं मिल रहा है यार। और सही कह रहा हूँ सबसे मजबूत गुब्बारा है वाला जो कि बचा हुआ है, बाकी सब तो मर गए एक एक करके। फट गया नीले वाला सबसे जल्दी फट गया, उस पर तो मुझे ज़्यादा विश्वास था। और लाल वाले पता मैंने जो जहाँ पर छेद आपको दिख रहा था ना, वहाँ पर मैंने धागा बांध दिया था और वो वर्क कर रहा था, मतलब जैसे पूरी मोमबत्ती में जलाई सुई हल्का फूट गया। तो देखिए फिर से स्टार्टिंग कर देते हैं, स्टार्ट रख देते हैं, क्योंकि क्या है ना यहाँ पर ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले हम इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि यार मोमबत्ती खड़ी नहीं हो पाएंगी इसकी वजह से। मुझे डर लग रहा है क्योंकि यार हो सकता है कि ये उछट के पानी में ऊपर गिरे, बहुत गर्म पानी होगा, कोई कम गर्म थोड़ी ना होगा यार। तो आप देख सकते हैं माल पर करीब करीब 2 मिनट हो चुके हैं और 3 मिनट पहले के, तो 5 मिनट हो चुके हैं। ये यार बहुत मतलब मजबूत गुब्बारा आएगा देखा जाए तो, अभी तो नहीं फूटा यार। देख सकते हैं आप 7 मिनट उस पर हो चुके हैं, 2 मिनट पहले के, यार 9-10 मिनट हो चुके हैं। एक्यूरेट तो मुझे नहीं पता, पर 9 या 10 मिनट हो चुके हैं आराम से। तो देखिए 10 मिनट बाद देखिए कैसा हाल हुआ देखिए गुब्बारे का, वैसे कुछ नया नहीं आ रहा। तो जो सबसे पहले मैंने ट्राई किया था ना वो लाल वाला गुब्बारा सबसे पहले वाला, उसमें पता क्या हुआ था, उसमें क्या अंदर बबल से बनने लगे थे, जैसे कि आप पानी गर्म करते हैं तो उसमें बबल से बनते हैं ना ऊपर को आते हैं, वैसे कुछ उसके अंदर हो रहा था, पर इसके अंदर दिख नहीं रहा है। वैसे हो रहा होगा तो हाँ दिख रहा है, आप देख सकते हैं इसके अंदर बबल्स बनना है, शायद आपको दिख भी रहा हो ना भी दिख रहा हो। यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए मुझे दिख रहा है, यहाँ पर बबल्स बनना है अंदर, और बहुत सारे बबल्स हैं। और वो पता कब फटा था, जब बबल्स बड़े बड़े हुए थे। अभी क्या है इसके अंदर बबल्स है ना बहुत छोटे छोटे हैं, तो देखते हैं जब ये बड़े हो जाएंगे तभी सारे फटेगा। वो गुब्बारे को नीचे लाते हैं यार, गुब्बारा नीचे आ नहीं पा रहा क्योंकि धागा बंधा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि तोड़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा मतलब कैसे गुब्बारा है बुरी तरीके फट गया यार। सही कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मैं सही कह रहा हूँ तब मैं काम ही कर रहा था, मतलब मोमबत्ती को जला ही रहा था, और सही कह रहा हूँ बहुत गर्म पानी था यार, पूरी पर बिखर चुका आप देख सकते आराम से, बहुत गर्म पानी था यार, मेरे तो मुंह पर गिरा यार, मैं तो जल ही गया, उतना नहीं जला जितना जलना चाहिए था। क्या बोला तूने? पर मैं कम ही जलाऊँ अच्छी बात है। देखिए आप देख सकते हैं आधी मोम पता नहीं कहाँ से आ गई पूरा, देखिए आप देख कैसी हालत, देखिए कैसी हालत हुई अगर आप देखेंगे मेरा हाथ वगैरह। तो मैं मतलब मोमबत्ती लगा ही रहा था, ऐसे बुरी तरीके से फट गया, मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और आप देख सकते हैं वहाँ पर देखिए करीब करीब 15-16 मिनट हो चुके हैं, 13:30 जो हो गए, 2 मिनट उसको जोड़ ले तो 15-16 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं मतलब कितनी बुरी तरीके से फटा यार, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया, मैं लगा ही रहा था, मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी फट जाएगा, क्योंकि सोच बबल से ना बड़े बड़े हो रहे थे मैं देख रहा था, पर मैंने सोची कि थोड़ी देर मतलब इसको पूरी जला देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हो जाएगा एकदम से। और सही पानी मतलब बहुत ज़्यादा गर्म था यार, शायद मेरे पास कुछ होता तो मैं चेक करवा देता। आप देख सकते हैं गुब्बारे कैसे चिपक चुके हैं, ये देखिए
ये देखिए लाल वाला जल चुका है और देखिए ये वाला पीला वाला जो कि हमने जलाया। और ये यार इसमें जो पानी भरा हुआ ना वो भी बहुत ज्यादा गर्म है यार, 80 से ज्यादा गर्म पानी है इसका जो छोटे से इसमें भरा हुआ है ये भी अभी बहुत ज्यादा गर्म है, एक चाय की तरह गर्म है समझ लीजिए। और ये देखिए छोटा वाला पोटला, इसके अंदर भी चाय इतना गर्म पानी है, मैं इसको दबा नहीं रहा क्योंकि वो चटके मेरे ऊपर ही गिरेगा। जो हमने पहली बार किया था ना वो तो बिल्कुल सफल रहा था, पर क्या उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे तो मुझे फिर से करना पड़ा। तो आपने देख लिया कि क्या होता है जब हम गुब्बारे को इतनी सारी मोमबत्ती उसे गर्म करते हैं, यानी कि आग से गर्म करते हैं। हैप्पी बर्थडे। तो देखिए यार ऐसा कुछ हुआ और मैंने सब कुछ बजा दिया क्योंकि यार बहुत ज्यादा बैग्स बिखर चुका है, मतलब मोम बहुत ज्यादा बिखर चुका है यार। और देखिए यहाँ तक मोम आ चुका है यार, पहले मोम यहाँ तक नहीं था किसी हालत में यार, मिशन में आई कि मोम यार यहाँ तक कैसे आ गया, तभी तो मेरे हाथों देखिए मोम आ गया। यहाँ पर देखिए कभी मोम नहीं था, ये देखिए चदरा फदरा सब पर मोम आ चुका है, देखिए यहाँ भी देखिए मोम आ चुका है, यहाँ भी मोम आ चुका है और सब जगह मतलब मोम बिखर चुका है। पहले बिल्कुल मोम नहीं था, मैंने पूरा साफ कर लिया था, तो मतलब क्या हुआ ना जो गुब्बारा फूटा ना तो नीचे जो मोम डला हुआ था गर्म गर्म वो भी एकदम से बिखर गया, तभी तो मेरे हाथ चल गया एकदम से। मैं यही सोचा था कि मोम कैसे आ गया मेरे हाथ में, यहाँ पर गिरा था मोम और ये यहाँ पर गिरा हुआ था, जल गया था मैं। तो दोस्तों आप ऐसा ट्राई करने की बिल्कुल ही मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मोमबत्ती खतरनाक नहीं खतरनाक है ये, और जब ये गर्म होता है ना गुब्बारा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हद से ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो दोस्तों आपने आज देख लिया ये पानी वाला गुब्बारा भी फूट सकता है, आपके दिमाग में पहले से यही होगा कि पानी वाला गुब्बारा कभी फूटता नहीं है, पर आज आपने ये भी देख लिया कि पानी वाला गुब्बारा भी फूट सकता है। हर चीज की एक सीमा होती है, अगर आप सीमा से ज्यादा कुछ भी करेंगे ना तो वो विनाशकारी ही होता है, जो आया है वो जाएगा ये बात पक्की है। तो आपने देख लिया आपके दिमाग में पहले से तो जरूर यही होगा कि ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।